सो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पास में स्टोरीज पर। हरीश, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माल्टा वर्क वीजा करंट अप्डेट के बारे में कि क्या इंडिया से वीजा अप्रूव होकर आ रहे हैं नहीं आ रहे, और मेनली हम बात करने वाले हैं माल्टा का जो स्किल कार्ड है, जो स्किल पास है उसके बारे में। दोस्तों, हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, आपको बनना है वीडियो में एंड तक। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। सो गाइस, माल्टा के रिगार्डिंग 10 महीने बाद आज ये पहली वीडियो हम बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है जैसे आप पहले सपोर्ट किया करते थे, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें माल्टा वर्क वीजा रेशियो की, तो गाइस रेशियो इतना बुरा नहीं है इंडिया से। रेशियो काफी वीजा सफर हमें देखने को मिल रहे हैं, रिजेक्शन भी है, लेकिन गाइस मेन प्रॉब्लम उनके साथ है जिनका बैकलॉग काफी अटका हुआ, जो काफी टाइम से इनका रिजल्ट ही नहीं आया। सो गाइस, रिजल्ट टोटली अभी डिपेंड कर रहा है आपने किस तरीके से अपनी फाइल को प्रिपेयर किया था, क्योंकि अभी फाइल को बारीकी से देखा जा रहा है। पहले वाला टाइम नहीं है, अभी फाइल को बारीकी से देखा जा रहा है। डॉक्यूमेंट ऑफ लिस्ट बढ़ गई है, नया एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, स्किल कार्ड आ गया, तो काफी सारी चीजें हैं जो अभी नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो आप किस तरीके से अपनी फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है, उसी पे जो है रिजल्ट अभी डिपेंड कर रहा है। लेकिन गाइस, पॉजिटिव न्यूज ये है जिनका अभी रिजल्ट अटका हुआ है उन्हें जल्दी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस, यहाँ जो है इंडिया से वर्क वीजा रेशियो इतना बुरा नहीं है, हालांकि जो अप्रूवल्स आ रही हैं, जो वीजा लग के आ रहे हैं, वो ज्यादातर हॉस्पिटलिटी टूरिज्म इंडस्ट्री के हमें देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं वीडियो का जो मेन मुद्दा है, माल्टा स्किल कार्ड, माल्टा स्किल पास के ऊपर। सो गाइस, माल्टा स्किल कार्ड, माल्टा स्किल पास कोई नई चीज नहीं है, इसका जिक्र अक्टूबर दिसंबर 2023 जनवरी 2024 में भी हो चुका है। लेकिन गाइस, इसका जिक्र, इस चीज का, इस स्किल का जिक्र मैंने मेरी वीडियोस में एक साल पहले कर रखा है। लाइक जब लॉकडाउन था, जब हम बात करते, तो मैं कहता था कि आप अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, क्योंकि माल्टा ऐसी कंट्री है जहां स्किल की बहुत जरूरत है। सो गाइस, गवर्नमेंट ऑफ माल्टा ने एक नया जो है स्किल कार्ड लॉन्च किया है, जो कि अगर आप नया वीजा अप्लाई कर रहे हैं टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, तो आपके लिए अप्लाई करना जरूरी है। अगर आप अपना वीजा रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपके लिए अप्लाई करना जरूरी है, और अगर आप माल्टा में करंटली टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए अप्लाई करना जरूरी हो जाएगा। इसकी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम्स माल्टा 470 यूरो जो है इसके आसपास होने वाली है। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि माल्टा स्किल कार्ड, माल्टा स्किल पास होता क्या है। सो गाइस, ये जो है माल्टा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसमें ये है कि इन लोगों को सिर्फ अभी स्किल्ड लेबर चाहिए, इन लोगों को सिर्फ स्किल्ड पर्सन चाहिए जो वहां जाके अपनी स्किल्स से काम करें, अपनी अच्छी स्किल से काम करें और वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को बेटर बनाए। सो गाइस, माल्टा स्किल कार्ड में बेसिकली ये एक ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू एक कोर्स होगा जो आपको लेना पड़ेगा। इसमें मेन जो है चार कंटेंट रहने वाले हैं गाइस। फर्स्ट होगा इंग्लिश स्पीकिंग, इसमें आपको किस तरीके से इंग्लिश बोलनी है वो आपको सिखाई जाएगी। सेकेंड होगा कस्टमर सर्विस, कस्टमर केयर। सो गाइस, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर केयर। आप अगर अपने कस्टमर को प्रॉपर सर्विस नहीं देंगे, उनसे तरीके से बात नहीं करेंगे, उनकी जो डिमांड्स है उनको पूरी नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क, तो गाइस आपको जो है कस्टमर कभी भी, मतलब आप कस्टमर को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, यहाँ जो है कस्टमर केयर और कस्टमर सर्विस में मेन काम होने वाला। तीसरा, माल्टा टूरिज्म प्रोडक्ट। गाइस, वहां आपको माल्टा की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, माल्टा जो टूरिस्ट प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको जो है नॉलेज दी जाने वाली है कि माल्टा की होटल्स में कैसे काम करना होता है, माल्टा की हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में कैसे काम करना होता है, गाइस ये आपको वहां सिखाया जाएगा गाइस। और इसके अलावा आपको माल्टा के कुछ माल्टीज फ्रेजेस, माल्टीज लैंग्वेज की कुछ फ्रेजेस आपको बताई जाएंगे, जो आप अगर आप वहां काम करते हैं तो गाइस आपको वहां यूजफुल हो सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए माल्टा स्किल कार्ड के ऊपर, की वेबसाइट पर जाकर कैसे अप्लाई करना है, कितने दिन में आएगा, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि सर हमें इस पे ये वीडियो चाहिए, हरीश भी हमें इस पे ये वीडियो चाहिए, आप माल्टा स्किल कार्ड में डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाओ। सो गाइस, यहाँ जो है माल्टा स्किल कार्ड का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। बेसिकली एक स्किल कार्ड है जो आपको अपने वीजा के साथ लगाना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है, सिंपली उस वेबसाइट पर जाके आप पूरा कॉन्टेंट पढ़ सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहाँ सिखाई जाएगी, इंग्लिश स्पोकन, और आपको कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर केयर की आपको यहाँ स्किल्स जो है सिखाई जाने वाली है। तो अगर आपने माल्टा स्किल कार्ड के ऊपर की नॉलेज ले ली है, तो आपको माइंड में ये भी क्वेश्चन आया कि माल्टा ने ऐसा क्यों किया, माल्टा ने स्किल कार्ड क्यों लॉन्च किया। तो गाइस, इसका सिंपल सा रीजन है कि माल्टा को अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाना है, उसे एक क्वालिटी टूरिज्म इंडस्ट्री बनानी है जहां क्वालिटी वर्कर्स हों, जहां क्वालिटी स्टाफ हो, तो इसलिए माल्टा ने ये कदम उठाया है। सो गाइस, ये एक वैसे अच्छी चीज भी है, अगर आप ये चीज वहां जाके बाद में चैलेंजेस के साथ सीखें, उससे पहले आप पहले ही एक स्किल कार्ड बनवा लेगी, आप इन सब में तो प्रॉपर हैं, बाकी आपका जो है वर्क लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हैं, आपकी मेहनत डिपेंड करती है कि आप कैसे वहां जाके काम करते हैं। तो बेसिकली अभी जो हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसके लिए इसको चालू कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि मैं सरल हिंदी भाषा में आपको समझाया कि माल्टा
स्किल कार्ड होता क्या है और टूरिज्म और हॉस्पिटल इंडस्ट्री में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किन किन लोगों को अप्लाई करना है, क्या कॉस्ट है, ऑलमोस्ट मैंने सब इस वीडियो में कवर कर दिया। फिर भी आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। तो गाइज 10 महीने बाद अगर हम वापस आए हैं तो आप कभी नहीं जाएंगे, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन, आपको ऐसी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूंगा जो कि मेरा फर्ज है देना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी हो, तो जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, रियल टाइम नोटिफिकेशन। हम मिलेंगे ऐसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।